कौशाम्बी में सरकार की नीतियों पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पानी फेर रहे हैं। इसके साथ ही किसी बड़े हादसे का इंतजार भी कर रहे हैं। बता दें कि जिले के चित्तापुर गांव के सामने मेन रोड के बीचों बीच मौत का बड़ा सा कुआं बना हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे लोग गिर कर चोटिल हो रहे हैं। मामला सराय अकेल थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्तापुर मेन रोड का बताया जा रहा है। जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां न्याय की गुहार लगाने पीड़ित एम्बुलेंस से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इसके साथ ही मार्ग दुर्घटना में घायल होने के बाद सुनवाई नहीं हो रही थी, जहां जालौन जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मामला बताया जा रहा है। सागर कहाँ से आए? कुदरा। अच्छा, क्या हुआ है जो आप पुलिस अधीक्षक के पास आए? साहब 19 तारीख में चार पहिए वाले ने मुझे टक्कर मार दी। कहाँ पे मारी थी? जिस 7 मील के पास। ठीक है, क्योंकि 30,000 रुपए और 12 तोला की चैन डाले थे हाथ में, वो भी ले गए थे। कौन ले गए? चार पहिया गाड़ी में थे, 3 सवारी, नाम नहीं जानते उनका। गाड़ी का नंबर 1995 है। कोई सुनवाई नहीं है उस दिन से। कितनी चोटें आई थी आपको? हमारा एक दोनों हाथ टूट गए, पैर टूटा, मुझे कमर अमर में भी मुदा चोट है। अच्छा, पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत की, एप्लीकेशन दिया। साहब कजालन कोतवाली में गए, वो कहने लगे उरई हल्का में वहाँ जाइए, वहाँ उरई में दिया उसी दिन एप्लीकेशन। कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस अधीक्षक के पास आए, क्या चाहते हैं? पुलिस अधीक्षक साहब से यही निवेदन है कि जो हमारा टूट फूट हुआ इसका इलाज तो हो जाए। बाइक पूरा खत्म कर दिया, वो बाइक बनवा के दे दें साहब। जो पैसे चैन गए, हाँ वो भी मिल जाए साहब, बस गरीब आदमी है वो तो। विदिशा जिले के समस्त पत्रकार साथी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आयोजित होने वाले स्टेट मीडिया सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सम्मिलित होने के लिए जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार और अन्य तहसीलों से आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार विदिशा के नीम ताल पर एकत्रित हुए, जिसमें जिला जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा सभी पत्रकार साथियों का सम्मान बस में बैठकर रवाना किया गया, जिसके बाद भोपाल के मालवीय नगर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकार साथियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पत्रकार साथियों को सौगातें मिल सकती हैं। वहीं मुख्यमंत्री सभी पत्रकार साथियों के साथ सौभोज भी करेंगे। पीलीभीत के कलीनगर क्षेत्र के ग्राम जमुनिया खास सागर ताल मठ मंदिर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन कल्याण सुरक्षा संघ JKSS के पदाधिकारी का कार्यकर्ताओं द्वारा 154वीं जयंती मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। वहीं वक्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके विचारों और को बताए रास्ते को चलने का संकल्प लिया। अंत में मठ मंदिर में मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कैमूर से खबर है, जहां बिहार राज्य सदस्य महासंघ के आह्वान पर 14 सूत्री मांगों को लेकर समर्थन में वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार के लिए कैमूर जिला वार्ड सदस्य महासंघ के तत्वाधान में एक दिवसीय आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं वार्ड सदस्य जिला अध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार राजू पासवान ने किया, जिसमें उपस्थित सभी वार्ड सदस्य और उप मुखिया भी शामिल रहे। आज हम लोग का राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन आक्रोश मार्च है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदेश के द्वारा आह्वान किया गया था कि 9 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज 3 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके समर्थन में हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में लेकर के आज हम लोग कैमूर जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च के माध्यम से आज हम लोग अपना शक्ति प्रशिक्षण दिखाए हैं सरकार के कि अगर होश में जाओ, द्वितीय अधिकार वार्षण आपको नहीं दिया गया तो आपको अभी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। सरकार 2024 दूर नहीं है, 2024-25 दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, आगे है। अब वार्ड सदस्य अपना हक और अधिकार के लिए आपको दिखाएगा कि अगर वार्ड सदस्य को द्वितीय पावर नहीं दिया जाता है तो आपको 24 और 25 में दिखाना पड़ेगा। लोकसभा 2024
और विधानसभा 2025-26 में आपको दिखाना पड़ेगा। 14 सूत्री में मुख्य मांगे हम लोग की द्वितीय तौर फर्स्ट द्वितीय तौर और उसके दिया जाए, जो कि वार्ड क्रीड़ा प्रबंधन समिति के खाते में राज्य सरकार के द्वारा सीधे राशि हस्तांतरित की जाए। और बहुत सी मांग है जो कि कार्यकारिणी ग्राम सभा की रजिस्टर पर फर्जी हस्ताक्षर कराया जा रहा है मुखिया पंचायत सचिव के द्वारा पंचायतों में, जिसकी उच्च स्तरीय हम लोग जांच का डिमांड कर रहे हैं कि जांच हम लोग का एक 14 सूत्री मांग है। मेन हम लोग का एक ये भी है विषय कि हम लोग का राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इसका जांच कराया जाए, जो भी दोषी पाए जाते हैं फर्जी हस्ताक्षर कराकर पंचायतों में कार्य की क्रियान्वयन योजनाओं का कराया जा रहा है, उस पर दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाए उच्च स्तरीय। आप लोग इस मामले को अधिकारी को अवगत कराए हैं? कई बार अवगत, कैमूर जिला के वार्ड सदस्यों द्वारा कई बार ऐसी बहुत सी पंचायतों हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2-4 पंचायतों का हम नाम आपको बतला देंगे। मोहनिया प्रखंड अंतर्गत बेलौरी पंचायत है, बमहौर पंचायत है, भभुआ अंतर्गत डुमराज पंचायत है, आपको कुड्डी पंचायत चांद प्रखंड अंतर्गत है और दुलही पंचायत है चांद प्रखंड अंतर्गत, और श्रीरा पंचायत है, यहाँ पर अखलासपुर पंचायत है, दुमदुम पंचायत है, देखिए आरोप तो ऐसा लगा है कि जैसे मनरेगा का कार्य हो, काम करते हैं 10 लेबर और 50 लेबरों का हाजिरी बनाकर पैसा निकाल लिया जाता है, जो कि गरीब तबके के लोगों मजदूरों का हक मारा जा रहा है, जो कि अगर काम उनको अगर मिलेगा तो उनका रोजी रोटी बाल बच्चे पलेंगे। प्रखंड के पूरे जिला के सभी प्रखंडों में धाधिल किया गया है। कई बार इस मामला को लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी हो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी हो, जिला उप विकास आयुक्त हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, जिला प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, प्रखंड बीसी हो, सभी लोग को हम लोग के द्वारा आवेदन दिया गया है, इसका जांच का डिमांड किया गया, लेकिन संतोषजनक एक भी पंचायतों का जांच का प्रतिवेदन एक वार्ड सदस्य को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सर ऐसे पंचायत में जो पर्यवेक्षक की बहाली की गई है ड्राइवर, जिसके बारे में किसी को आप लोगों की जानकारी हुई है? वार्ड ये तो ऐसा सवाल किया कि जो कि अगर हम वार्ड सदस्य सभी वार्ड सदस्य का एक ही समस्या है कि जिस पंचायत में पर्यवेक्षक का बहाली किया गया हो या ई रिक्शा चालक का हो या मान के चलिए ठेला चालक है, जो भी लोग का कुछ वैसे जैसे पंचायतों से 5 कर्मी का बहाली करना था, जिसमें किसी भी वार्ड से उसको जानकारी न हो, मुखिया जी लोग तो ऐसे किए हैं, पंचायत सचिव सगे संबंधित को रुपया लेकर के बहाली कर दिए हैं लोग। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पड़ेगा राजू पासवान, वार्ड संघ जिला अध्यक्ष कैमूर, प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार।